साकार करें सपने अपने। गर्मी बढ़ती ही जा रही है और गर्मी में घर से निकलना दूभर हो गया है, तो आइए बेबी के पास चलते हैं। उनके पास आपके लिए गर्मियों की कौन सी खास ब्यूटी टिप है जानते हैं। फैमिली गुरु, आज मैं आपके दर्शकों को ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रही हूँ जिसे आजमाकर घर से बाहर निकलेंगे तो गर्मियों में भी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचेगा। गर्मियों के दिन हैं और घर से बाहर तो जाना ही पड़ता है। घर से बाहर जा रहे हैं तो डर तो लगता है स्किन खराब हो जाएगी, क्योंकि स्किन टैन हो जाएगी। तो टैन ना हो इसके लिए क्या किया जाए? बहुत आसान है, सनस्क्रीन ज़रूर लगा के जाएं। सनस्क्रीन कैसे लगाएं ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि सनस्क्रीन लगाते ही पसीना पसीना हो जाता है और इवन मेकअप भी बहने लग जाता है। तो कैसे लगाएं? घर से निकलने से 10 मिनट पहले सनस्क्रीन फेस के ऊपर लगा लीजिए। सनस्क्रीन लगाने के बाद 10 मिनट में आपको जो भी पसीना आएगा ना, एक आप टिश्यू ले लीजिए, कॉटन का कोई टॉल ले लीजिए, कॉटन का कोई हैंकी ले लीजिए, उससे स्किन को थपथपा दीजिए। जैसे ही थपथपाएंगे पसीना हट जाएगा और सनस्क्रीन अंदर चली जाएगी और एक प्रोटेक्शन की लेयर बन जाएगी। उसके ऊपर आप चाहें तो कोई टूबे केक लगा लें, चाहें तो पाउडर लगा लें, मेकअप करना है तो उसके बाद मेकअप करें और फिर घर से जाएं। आप देखेंगे आप सनस्क्रीन जो है बहुत ही अच्छी आपको प्रोटेक्शन देगी और सन टैनिंग भी नहीं होगी। ये भी याद रखें कि 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद सनस्क्रीन का असर ख़त्म हो सकता है, तो साथ में रखिए सनस्क्रीन। जब भी दोबारा ज़रूरत हो उसके बाद दोबारा लगा लीजिए, हो सके तो एक छाता ज़रूर ले लीजिए। आइज़ के लिए आप ज़रूर करें कि आप गॉगल्स पहने, नॉट ओनली फॉर फैशन, अदरवाइज भी आँखों की प्रोटेक्शन के लिए भी जो गॉगल्स हैं वो बहुत अच्छी प्रोटेक्शन करते हैं। सनस्क्रीन लगाते वक्त भी कुछ बातों का ध्यान और रखना चाहिए। हम लोग जब भी कुछ भी यूज़ करते हैं तो फेस की बात करते हैं, बाकी बॉडी के पार्ट्स जो कि ओपन है उनको तो भूल जाते हैं। गर्दन के ऊपर, गर्दन के पीछे, पीठ में अगर आपने डीप नेक पहना तो वहाँ, आगे डीप नेक है तो वहाँ, हाथों पे भी, बाजू पे भी, आप चाहें पैरों को बचाना तो पैरों पे भी सनस्क्रीन लगाइए और फिर जाइए घर से बाहर। गर्मियों की हर चीज़ से मैं आपको अपडेट करूंगी, जैसा आज मैं आपको गर्मी में खाने की टिप्स दिलवाने जा रही हूं। गर्मी में सबसे ज़्यादा परेशानी गलत खाने की वजह से होती है, आज इस समस्या को दूर कर देना है। सबसे ज़्यादा तो आपको लिक्विड पीना चाहिए, डोंट गो फॉर हैवी डाइट्स, जैसे कि यू नो हैवी रोटी हो गई या 3-4 रोटियाँ, 1 चपाती इज़ फाइन, एंड नारियल पानी पीजिए बहुत सारा, हैव लॉट्स ऑफ वाटर इफ नॉट नारियल पानी, हैव कर्ड। मैं पर्सनली कर्ड के बिना खाना नहीं खाती, एंड जब घर में दही नहीं होता मैं खाना ही नहीं खाती। सो ईट लॉट ऑफ फ्रूट्स, एंड द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हेल्थ इज़ कि आपको रोज़ मोशन जाना बहुत ज़रूरी है, एंड मैं ये बहुत ओपनली कहती हूँ बिकॉज इट्स द मोस्ट नेसेसरी हेल्थ टिप कि अगर आपका पेट क्लीन रहेगा आपकी बॉडी क्लीन रहेगी, माइंड क्लीन रहेगा, वरना आप लेथार्जिक यू नो बहुत लाउजी एंड आपकी स्किन नहीं अच्छी रहेगी, एंड देन देयर बी ऑल बॉल्स ऑन योर फेस, सो योर स्टमक नीड्स टू बी क्लीन, एंड फॉर दैट यू ऑल्सो नीड टू ईट हेल्दी, हैव लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, हैव अवॉइड ईटिंग मैंगोज, आई नो दैट्स डिफिकल्ट फॉर मी एज वेल, बट मैंगो गर्मी करता है, बट इज द सीजन ऑफ मैंगोज सो ठीक है, बट इन अ लिमिट, बिकॉज मैंने लोगों को देखा कि वो बहुत ज़्यादा मैंगोज खाते हैं, सो वो थोड़ा कम कीजिए। हैव नींबू का जूस एंड जूसेस पीजिए काफ़ी सारे, यू नो देयर आर फ्रूट्स, आप मैंगो का जूस पी सकते हैं विद मिल्क। मेरी मम्मा एक्चुअली मुझे मैंगो का जूस बना के देती, तो दैट डजंट कॉज हीट बिकॉज अब मिल्क कवर्स इट। सो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, बिकॉज धूप में मत जाइए, जा रहे हैं तो प्लीज़ पुट सनस्क्रीन, एंड या दैट्स ऑल, हैव लॉट्स ऑफ वाटर। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, आई थिंक अभी मैं मुझे स्वेटिंग हो रही है एसी पे खड़े होने के बाद भी। सो इतनी गर्मी में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप बाहर धूप में जितना हो सके कम निकलें, और अर्ली मॉर्निंग या शाम को ऐसे ही अपनी थोड़ी आउटिंग रखें, और अगर आप धूप में निकलते भी हैं तो ठंडा पीते रहिए, आई मीन जैसे लस्सी हो गई और नींबू पानी हो गया और जूसेस हो गए, ये सब अपने आप को पीते रहिए और हाइड्रेट रखिए अपनी बॉडी को। नारियल पानी भी पी सकते हैं, वो भी अच्छा है। और खाने में मैं आपको कहूँगी कि मैं नॉर्मली अभी थोड़ा कम खा रही हूँ और घर का खाना ही खा रही हूँ, ज़्यादा ऑयली नहीं खा रही हूँ और फ्रूट्स ज़्यादा खा रही हूँ मैं। सो और मुझे बीच बीच में, मैं बहुत फूडी हूँ, मुझे बहुत भूख लगती है, तो जब भी मुझे भूख लगती है ज़्यादा तो मैं एप्पल्स अपने साथ रखती हूँ 1-2 किलो, और वो डे में खाती रहती हूँ।
मैं कोशिश करती हूँ, इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी कोशिश करिए. आई प्रेफर, इट्स वेरी डिफिकल्ट बट अवॉइड टी एंड कॉफ़ी, यू नो, गो फॉर कोल्ड ड्रिंक्स. कोल्ड ड्रिंक्स आई मीन यू कैन हैव आइस टी और आइस्ड कॉफ़ी, हैव जूसेस, दैट्स द बेस्ट थिंग, और नारियल पानी, दैट्स व्हाट आई ट्राई एंड फॉलो. एंड इन टर्म्स ऑफ फूड, आई थिंक लाइट खाना बेटर होता है, कम स्पाइसी हो इट्स गुड, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट होती है. हैव फ्रूट्स, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, यू कैन हैव वाटरमेलन एंड lots of salad also with your lunch and all, take cucumber, yeah, all that. Saakar kare sapne apne.